माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है भगवान श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रश्न संख्या 241, माननीय मंत्री जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, कांग्रेस चीनी भाई भाई, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसके अनुसार छह परिपथ इको परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड में है, तेलंगाना, केरल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी सर्किट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ये जो इको टूरिज्म के सर्किट है, इसका चयन किस आधार पर किया जाता है? क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर करती है या प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर करती है? और उत्तर प्रदेश का सर्किट के अंदर कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि इको टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिनको इसी योजना में शामिल किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि इको टूरिज्म उत्तर प्रदेश में एक ही प्रोजेक्ट दिया नहीं है, सर मैं कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये राज्य सरकार का काम होता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहां का काम होता है, और इसको फाइनेंशियली मदद करना, आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये नारेबाजी का स्थान है। प्रश्नकाल समय के अंदर आप सदन नहीं चलाना चाहते, व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है, सदन में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप चर्चा कराएं, संवाद करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार की जवाब देते कर सकते हैं, आप यहां नारेबाजी करने आते हैं। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।